Hi everyone, namaskar, salam, sat sri akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्लॉथिंग हॉल, और ये जो क्लोथ्स मैंने लिए हैं वो सारे dresslily.com से हैं। एक बार पहले भी मैंने इनका शॉपिंग हॉल आप लोगों के साथ शेयर किया था और आपको बहुत पसंद आया था। मैंने काफ़ी सारे टॉप्स लिए हैं, दो ड्रेस ली हैं और एक जंपसूट लिया है। और फिलहाल जो है वो दिवाली का सीज़न है, तो पूरे घर की जो है वो डीक्लटरिंग चल रही है, तो मैंने ऑलमोस्ट अपनी आधी से ज़्यादा अलमीरा जो है वो डीक्लटर कर दी है। और मैंने बहुत सारे कपड़े जो हैं वो डोनेट कर दी हैं, उनमें से कुछ नए भी थे, क्योंकि दिवाली के टाइम पर जितना आप दूसरों को खुशियां दे सको उतना आपको कोशिश करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे कपड़े जो हैं वो निकाल दिए हैं ताकि वो किसी अच्छे काम में किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। तो ये सवाल मेरे पास आता है कि दीपिका, आप इतनी शॉपिंग करती हैं, इतनी चीज़ें खरीदती हैं, कैसे आप उन चीज़ों को समेट के रखती हैं? तो मेरे अंदर एक हैबिट है, मैं हर 2-3 महीने बाद जो है एक बार अपनी अलमीरा चेक करती हूँ, और उसमें से जो मुझे लगता है कि ठीक है अब मुझे ये नहीं पहनना है, या एनी हाउ मुझे फिट नहीं हो रहा है, लूज हो गया है या छोटा हो गया है, तो मैं उन चीज़ों को डोनेट कर देती हूँ। बिना बात रख के कोई फ़ायदा नहीं, किसी और के काम आ जाएगा। तो यस, मेरी अलमीरा जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी, बहुत थोड़ी चीज़ें बची थी, तो मुझे लगा कि कुछ अब अच्छी सी चीज़ें अपने लिए लेनी चाहिए। तो मैंने सारी चीज़ें dresslily.com से ली हैं, और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी आइटम्स मैंने लिए हैं उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। और अगर कोई ऑफर कोड, कोई डिस्काउंट कोड मुझे मिला तो मैं वो भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि जब आप रेगुलर बेसिस पर बाय करते रहते हैं तो आपके पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर आपको काफ़ी सारा मनी ऑफ उसमें मिल जाता है। और ड्रेसलिली जो है वो वर्ल्ड वाइड शिप करते हैं, तो अगर आपकी कंट्री जो है वो शो कर रही है उनके मनी टैब में तो आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉप है ये जो मैं ऑलरेडी पहनकर बैठी हुई हूँ आप लोगों के सामने, और इसका इतना प्रिटी पीच पिंक कलर है, आप लोग बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। और ऊपर से इसमें ये जो लेस पैटर्न है, आई एम लविंग इट, ये बहुत अच्छा है। फुल स्लीव्स का है और नीचे इसमें इस तरह का क्रॉस पैटर्न है, तो जिन लोगों की बेली फैट होता है जैसे कि मेरा है, वेट आप रिड्यूस कर लें, आपका फेस श्रिंक हो जाता है, बाजुएं श्रिंक हो जाती हैं, लेकिन जो बेली फैट होता है वो नहीं श्रिंक होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह के टॉप्स जो हैं वो बेली फैट को हाइड करने के लिए परफेक्ट होते हैं। तो मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है, और जो मैं छोटी थी तो मेरे पास इस तरह का एक फ्रॉक था, तो इट रिमाइंड्स मी दैट। और आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आई एम इन लव विद दिस वन रियली, और ये बहुत कंफर्टेबल भी है। आई थिंक कुछ हॉजरी काइंड ऑफ मटेरियल है इसका, और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, और फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आ रही है। तो यस, पहला आइटम है ये। इसके बाद जो दूसरा आइटम है, मैं कुछ भी शॉपिंग करूं और ब्लैक अगर बाय ना करूं तो मेरी शॉपिंग पूरी नहीं होती है। तो नेक्स्ट है ये वाला टॉप, और इसका भी आगे से इसी तरह का क्रिस क्रॉस शो होता है, उस तरह का पैटर्न है इसका, सेम वही मैंने जितने भी कपड़े लिए हैं वो उसी हिसाब से लिए हैं ताकि बेली फैट जो है वो हाइड हो सके। और इसके ऊपर ये ब्यूटीफुल लेस जो है वो लगी हुई है। कपड़ा इसका जो है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, तो अगर आप इसको बिना स्लिप के पहनेंगे तो आपके जो अंडर आप पहनने वाले हैं, अभी पहनने वाले हैं, तो वो चमकेगी इसके अंदर, या तो आप ब्रालेट पहने इसके अंदर तो वो बहुत अच्छा डिज़ाइन शो करता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह कंफर्टेबल नहीं है उस तरह का पहनने के लिए तो आप इसके अंदर स्लिप पहने। तो मेरे जितने भी इस तरह के टॉप होते हैं उनके नीचे मैं ब्लैक कलर की स्लिप पहनती हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो यस, सेकेंड टॉप है ये, एंड इट्स सो सॉफ्ट, सो सॉफ्ट, सो गुड वन। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन। और इस बार मैंने बहुत सारे कलर्स जो हैं वो ट्राई करे हैं, अदरवाइज मैं हमेशा अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखती हूँ, ब्लू, ब्लैक, रेड, बस यही होता है, या फिर येलो ले लिया। लेकिन इस बार मैंने बहुत अच्छे अच्छे कलर्स लिए हैं, तो आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। तो यस, जो नेक्स्ट टॉप है वो है बहुत ही प्रिटी, आपको कलर दिखाई दे रहा होगा, लुक दिस वन, ये बहुत प्यारा कलर है। और ये कैमरा में जो है वो आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ब्लू नहीं है, ये जो मोर का बहुत प्यारा सा टील कलर होता है ना, ये कुछ टील कलर का है,
कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, कैमरा में बिल्कुल जो है वो लाइट ब्लू दिखाई दे रहा है, स्काई ब्लू टाइप, लेकिन ये वो नहीं है, लाइक ग्रीनिश एंड ब्लू मिक्स है। और इसके ऊपर भी इस तरह से ये लेस लगी हुई है और इसकी बाजुओं में भी लगा हुआ है, नीचे से बेल स्लीव्स हैं इसकी, सो गुड। और जो ये वाला मटेरियल है ये हॉजरी का है, जो वो बनियान वाला कपड़ा होता है, तो बहुत कंफर्टेबल है। बस इसके साथ ये कि आप इसको किसी पार्टी में या बाहर पहन सकते हैं, क्योंकि इस तरह की स्लीव्स आप फोल्ड नहीं कर पाते हैं, तो घर में काम करने में फिर दिक्कत होती है। बट ओवरऑल इट्स रियली गुड वन, एंड अगेन कलर बहुत प्रिटी है, लेकिन कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो मुझे बहुत पसंद आया। देखूंगी अगर पिक्चर्स में ये अच्छा आया तो। ओके देन ये था टॉप। इसके बाद मैंने लिया है नेक्स्ट ये ब्लू कॉटन का, ये शर्ट टाइप है, इट इज़ पेपलम टॉप इस तरह से। इसमें नीचे जो है ये इस तरह की स्कर्ट टाइप है, ये बहुत अच्छा था। ये भी आपकी टमी को हाइड करने के लिए बहुत अच्छा है, जब आपकी टमी आपको हाइड करनी हो, बेली फैट हो, या फिर आप प्रेग्नेंट हो और आपको बहुत क्लासी सा लुक और येट एलिगेंट येट स्टाइलिश आपको पहनना हो, तब आप इस तरह का टॉप पहने, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्योर कॉटन है और काफ़ी स्टिफ है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। लाइक कॉटन्स जब हम ऑनलाइन बाय करते हैं तो कई बार वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टिफ है तो अच्छा है। और नीचे जो है ये कफ नहीं है इसमें, लेकिन इस तरह का ही पैटर्न जो है वो बना हुआ है। ओवरऑल बहुत ही प्यारा सा ये कलर है और आई एम लविंग इट। और नीचे जो है ना ये इस तरह का डिज़ाइन है, कटवर का डिज़ाइन बोला जाता है इसको, तो ये इस तरह का डिज़ाइन है, तो वाइट कलर की जीन्स के साथ या लेगिंग या जैगिंग के साथ ये बहुत अच्छा लगने वाला है, सो ब्यूटिफुल। ओके इसके बाद क्योंकि हल्की हल्की सर्दी जो है वो शुरू हो गई है, तो फिर मैंने एक ये बहुत ही प्यारी सी ग्रे कलर की फ्लावरी प्रिंट की एक हुडी ली है, और इस तरह से हुड है इसका यहाँ पर, और जैसे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्का है घर में पहनने के हिसाब से, या यूके में आप बाहर तो खैर पहनकर नहीं जा सकते, या फिर इसके ऊपर आपको हैवी जैकेट लेनी पड़ेगी, लेकिन घर के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत सॉफ्ट मटीरियल है, बिल्कुल भी स्टिफ नहीं है कि हाँ ये आपको चुभेगा या कोई दिक्कत होगी, तो यस दिस वन। और ये कितना प्यारा फ्लावरी प्रिंट है, लव इट। एंड आई थिंक इस तरह का मेरे पास ये वाला ही प्रिंट दूसरे कलर में, मेरे पास एक टॉप भी है शायद, अप डाउन टॉप लुकिंग लाइक दैट, आई एम नॉट 100% श्योर, बट ये प्रिंट जो है ये बहुत अच्छा लगता है, तो यस नेक्स्ट आइटम था ये। इसके बाद अगेन मैंने यहाँ पर सर्दियों के ही हिसाब से एक और टॉप लिया है, वो है ये टॉप, और ये इसका नेक है, यहाँ पर ये तीन बटन है तो ये इतना बंद हो जाता है, और इसका जो मटेरियल है वो वूलन है, लेकिन बहुत लाइट वूल है, अगेन घर में पहनने के लिए है, बाहर लाइक जहाँ पर कम सर्दी होती है वहाँ तो आप बाहर भी पहनकर जा सकते हैं, क्योंकि गर्म है ये, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाइक जर्सी वाला जो मटेरियल होता है, या फिर ये बोल दें कि जो प्रॉपर वूल वाला होता है वो नहीं है, लेकिन हाँ उससे हल्का है। इसकी भी बेल स्लीव्स हैं और इसका जो ये बुनाई है ये बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, काइंड ऑफ लाइक क्रिसमस के टाइम पर आप इसको पहन सकते हैं, लाइक क्रिसमस जम्पर काइंड ऑफ, तो इस तरह का ये प्रिंट है, बिल्कुल जैसे क्रिसमस जम्पर के ऊपर होता है, सो यस दिस वन। और ये भी नीचे से जो है वो थोड़ा सा ए शेप में है, अगेन मैंने जितनी सारी चीज़ें ये ली हैं ये उसी हिसाब से ली है ताकि टमी हाइट हो जाए, तो यस बेली फैट को हाइड करने के लिए इस तरह के टॉप्स बेटर होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन जो बेली फैट है वो नहीं जा रहा है, तो बेटर है कि शॉपिंग उस हिसाब से की जाए जिससे वो चीज़ें हाइड हो जाएं। तो यस ये था अगेन एक वूलन टॉप। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये बहुत ही प्यारा सा ब्लैक और वाइट प्रिंट में ये वाला टॉप, इसमें ये भी डबल उसमें है, नीचे इसमें ए लाइन है, ऊपर जो है इसका ये इस तरह का पोर्शन है, ये सेपरेट है और इसके बाद फिर नीचे इस तरह से आता है, ए लाइन में है, तो ये भी पहनकर बहुत अच्छा आ रहा है। अगेन इसका कपड़ा जो है आप खुद ही देख सकते हैं कि इसका कपड़ा जो है वो थिन है, अगेन इसके नीचे आपको जो है वो स्लिप पहननी पड़ेगी, बिना स्लिप के नहीं अच्छा लगेगा, तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप पहनते हैं देन यू कैन, बट अगर नहीं है कंफर्टेबल तो इसके नीचे जो है वो स्लिप पहननी पड़ेगी। और अगेन ये वाइट कलर की जैकिंग के साथ बहुत अच्छा लगेगा, ब्लैक के साथ भी अच्छा जाएगा और मे बी ब्लू के साथ भी अच्छा जाए, बट वाइट और ब्लैक के साथ तो बहुत अच्छा जाने वाला है।
तो नेक्स्ट है ये, और इसके बाद अब मैं आपको दिखानी शुरू करती हूँ ड्रेसेस। तो जो सबसे पहली ड्रेस है वो है ये, और ऊपर से आपको लगेगा कि ये प्योर ब्लैक है, दीपिका सिर्फ ब्लैक ब्लैक चीजें बाय करती है, तो नहीं। इसमें नीचे ये जो है ये रेड कलर की नेट लगी हुई है, नीचे इस तरह की स्लिप है ब्लैक इसके अंदर, और इसका जो फिटिंग है वो ऑसम है। और जो इसका पैटर्न है ना, ये वाली फ्रिल इसमें ऊपर आती है, अगेन बेस्ट फॉर हाइडिंग योर टमी। तो ये सारा जो हॉल है वो उसी हिसाब से है, और जो इसकी बाजू है इसमें ऊपर से ये इस तरह का कट है। तो इतनी एलिगेंट और इतनी प्रिटी ये ड्रेस है ना, नी लेंथ की ड्रेस है, पार्टीज के लिए बेस्ट है। अब क्रिसमस पार्टी होगी तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा, इंडोर पार्टीज के लिए इस फेस्टिव सीजन में ये बहुत अच्छी है। तो इट इज़ रियली गुड वन, और मैं बहुत दिनों से चाह रही थी इस पैटर्न की कोई ड्रेस लेना, लेकिन जितनी भी मिल रही थी वो मुझे सारी सेम कलर में मिल रही थी, लाइक ये भी सेम कलर का, नीचे ये भी। लेकिन जब मुझे ये डबल शेड में मिला तो आई वॉज लाइक येस इट इज़ फॉर मी, और ये पहनकर इसका बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। और सारे के सारे फोटोज़ जो हैं वो अभी मैं डालने वाली हूँ, तो आप जरा देख लेना, या फिर मैं छोटी छोटी क्लिप्स डाल दूंगी आप लोगों के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच, पूरी वीडियो देखना तभी पता लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है ये, एंड यस ये प्योर ब्लैक में है, जंप सूट है ये, और ऊपर जो इसका नेक पैटर्न है वो इस तरह का है, ये इस तरह से जाएगा, और यहाँ पर जो है ये इस तरह से इसकी बाजुएं हैं, और पीछे इसमें जो है वो चेन लगी हुई है, थोड़ा सा डीप नेक है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन हाँ पीछे चेन लगी हुई है। और मैं हमेशा जंप सूट लेते हुए बहुत डरती थी कि अच्छा नहीं लगेगा, टमी दिखेगी, लेकिन जब मैंने एक बार बाय किया और पहना तो उसे बहुत अच्छा लुक आया। और सीरियसली आपकी टमी जो है वो हाइड होती है, वो इतना नहीं पता लगता है। तो इसके अंदर दो तीन कलर थे, लेकिन मुझे यही अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने ये ब्लैक कलर का ही बाय किया। और यू नो जब अब जो ये क्रिसमस आने वाला है, इन पर रेड और ब्लैक सबसे ज़्यादा पहना जाता है, तो मैंने उसी हिसाब से, क्योंकि दो तीन पार्टीज जो हैं वो होने वाली है, तो मैंने उसी हिसाब से लिया है। सो यस दिस इज नेक्स्ट वन, ये जंप सूट है, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा है। मैं सारी चीज़ें जो है ना एक्चुअली ट्राई कर चुकी हूँ, और उसके बाद फिर मैं जो है ये वीडियो बना रही हूँ, तो पहले मैंने देखा कि चीज़ें फिट भी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ओके नेक्स्ट है ये बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस, और इसका जो नेक डिज़ाइन है इट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ जैसा जंप सूट का है उसी तरह का है, और ये बहुत ही प्यारा सा, यहाँ पे तो नेकलेस पहनने की ज़रूरत नहीं है, इट विल गिव यू फील कि आपने कुछ पहना हुआ है। और ये भी नी लेंथ की ड्रेस है, लेकिन इसमें पीछे ड्रेप है ये इस तरह से, जैसे केप आपकी, आपने ऊपर से केप पहन लिया हो तो ये यहाँ पर जाती है इस तरह से। ये ड्रेस है नी लेंथ से, आई थिंक थोड़ी सी नीचे तक है ये, और पीछे जो है ये इसके अंदर ही बना हुआ है, लेकिन हाई लो काइंड ऑफ केप है इसका, आगे से थोड़ा ऊंचा है और पीछे से काफी नीचा है। तो हाई हील सिल्वर कलर की के साथ ये बहुत ही अच्छी जाने वाली है, या फिर गोल्डन हील्स अगर आपके पास हो तो उसके साथ ये फैब लगेगी, और बहुत ही प्रिटी सा ब्लू कलर है, एंड एग्जैक्टली सेम वही है जो आपको कैमरा में दिखाई दे रहा है, ये वाला कलर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो यस नेक्स्ट है ये प्रिटी सी ड्रेस, और नाउ वी हैव रीच टू एंड, यस इससे ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। जो लास्ट टॉप है वो है ये, और इस तरह से ऊपर इसमें यहाँ पर ये वूलन लगा हुआ है, और ये भी आई थिंक काइंड ऑफ हॉजरी है, थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा है इसका मटेरियल, समझ नहीं आ रहा है मुझे किस तरह का है, हॉजरी जैसा ही लग रहा है, पर बहुत ही प्रिटी कलर है, और कैमरा में ये थोड़ा रेडिश लग रहा है, लेकिन ये चेरी कलर है, यस चेरी कलर है ये, थोड़ा मेरून और रेड के बीच का दरमियाना सा जो कलर होता है ये वो है, बहुत ही प्रिटी चेरी कलर है और बहुत सुंदर है, या फिर वाइन कलर भी जिसको बोलते हैं ना, रेड वाइन कलर, ये वो है, लेकिन कैमरा में ये थोड़ा रेडिश आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें ये वूलन लगा हुआ है, और इसके साथ ना ये कॉलर भी आता है, अगर आपको ऊपर से जो है वो ऐसे करके ना इस तरह से आता है, इस तरह से आप अगर कॉलर भी इसमें ऊपर से लगाना चाहें तो ये आपको बहुत वार्म सी फीलिंग देने वाला है। तो यस नेक्स्ट टॉप था ये, और इसके साथ ही जो पूरा का पूरा हॉल है वो फिनिश होता है, यही सारी चीज़ें ली हैं। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं एक बार अच्छे से पहन कर दिखा देती हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली ये लुक कैसी रही है। तो चलिए देखते हैं।
तो यही थी आज की वीडियो, और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से आउटफिट में आपको मैं सबसे ज्यादा अच्छी लगी, या आप इनमें से कौन सा बाय करने वाले हैं, या आपको ओवरऑल इनमें से कौन सा अच्छा लगा। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो मेक श्योर यू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इन सभी आउटफिट के जो फोटोज हैं वो मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज में या फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो है वो डालती रहूंगी। इवन मैंने आज रिकॉर्ड करने से पहले भी एक पिक्चर शेयर की है, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो करें। वहां पर मैं बहुत सारे अपडेट्स, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज और बहुत सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। और स्टोरीज में आप लोग जो मुझे पिक्चर्स भेजते हैं रेसिपीज से रिलेटेड, या फिर आप कोई इतना अच्छा वाला मुझे मैसेज भेजते हैं जिससे मेरा दिन बन जाता है, आप मुझे इतना इंकरेज करते हैं, तो वो सारे मैसेजेस जो हैं वो मैं शेयर करती हूँ स्टोरीज पे। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दीप्स ऑल इन वन चैनल, सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज जरूर एक लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने दीप्स ऑल इन वन चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, बाय बाय।